फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये डॉग जो है ये किडनी फेलियर का शिकार था और उसके बाद ये अभी पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से जी रहा है, तो इसकी हम आज को स्टोरी बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट, और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला है ये किडनी फेलियर, ठीक है, और इसमें हम ऐसी एक बहुत ही यूनिक केस यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे इंडियन एक क्लाइंट ने हमें यहाँ पर श्रीलंका के एक उनके फ्रेंड है उनके डॉग की किडनी यहाँ पर फेल हो गई थी और उनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा शूट था। जैसे आपको पता है कि किडनी में अगर क्रिएटिनिन लेवल 3 के अगर ऊपर चल जाता है तो इट विल कंसिडर एज अ 4 स्टेज, और इसमें डॉग के सर्वाइवल चांसेस काफ़ी कम होते हैं और डॉग 2 से 6 महीने इसमें सर्वाइव कर पाता है। ओमिशन इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, डॉग कुछ भी खाता है तो ओमिट कर लेता है। तो ये जो क्लाइंट हमारे पास जब कनेक्ट हुआ था तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, डॉक्टर ने उनको पहले ही कह दिया था कि आपके डॉग के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हमारा जो पेट होता है, हमारा घर का फैमिली मेम्बर होता है, तो हम कभी भी गिव अप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। तो उन्होंने भी चाहा कि चलो एक बार एक चांस लेते। तो जैसे ही ये हमारे पास क्लाइंट आया तो आपको जैसे पता है हम यहाँ पर किडनी फेलियर में हमें यहाँ पर मल्टीपल थेरेपी यूज़ करनी पड़ती है। इसमें हम एलोपैथिक मेडिसिन होती है, सप्लीमेंट्स होती है, और किडनी के हेल्थ के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी दवाई यूज़ करनी पड़ती है। साथ में अगर इसमें हम होम्योपैथिक यूज़ करते हैं तो होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे आपको पता है कि किडनी फेलियर के कौन से संकेत होते हैं, इसके ऊपर हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किडनी फेलियर में क्या क्या आपका डॉग संकेत देगा। दूसरी चीज़, इसमें सप्लीमेंट्स हमें कौन से यूज़ करवानी है, इसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके ये दे सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो है, यानी जो ओल्ड एज डॉग होते हैं या फिर यंगर स्टेज में अगर आपको किडनी फेलियर की यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो हमें यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन जब आप यूज़ करते हो तो उसमें इसमें साइड इफेक्ट जो होता है वो मेडिसिन का कुछ भी नहीं होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो क्लाइंट है हमारा जो श्रीलंका से है, इसको हमने यही थेरेपी दी थी। तो हमने इसका स्टार्टिंग में जो हमने ब्लड की वैल्यूज थी इनके नियर अबाउट 9 to 6 फ्लक्चुएट हो रही थी और डॉग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। लेकिन अभी जो हमने प्रोटोकॉल दिया है उसमें, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसमें एलोपैथिक मेडिसिन है, और किडनी हेल्थ अच्छे होने के लिए इसमें बहुत सारी सप्लीमेंट्स हमने दी थी। तो वो यूज़ करने के बाद जब एक महीने बाद रिसेंटली अभी उन्होंने जब ब्लड की रिपोर्ट निकाली तो उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल हाफ हो गई है, 3 तक आ चुकी है, और डॉग इतना अच्छा एक्टिव है, बहुत तक खेलता है, बार्किंग के साथ सारी चीज़ें कर रहा है। तो रिसेंटली हमने जब क्लाइंट हमें अभी लास्ट कंसल्टेशन में उससे बात हुई तो काफ़ी हैप्पी थे। उन्होंने कहा था कि सर, हमारे डॉक्टर ने बिल्कुल बता दिया था, आई डोंट नो श्रीलंका के डॉक्टर यानी इतने अच्छी तरह कुछ जानकारी है नहीं है, लेकिन हमने जब आपसे कंसल्ट लिया तो हमारे डॉग की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट है, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा हम थैंक्स किया। तो फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या करना है, हमें अभी रिसेंटली एक ड्रग लॉन्च हुआ है, तो ठीक है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, एक किडनी फंक्शन में हमें पीएच बैलेंस और मेंटेनेंस यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पर जो ब्लड जो होता है, ब्लड में नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वहाँ पर डॉग का मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये प्रोनेफ्रा करके जो यहाँ पर मेडिसिन है उसमें ये सारे कंटेंट बहुत अच्छी तरह होते हैं, और उसमें और क्रिएटिनिन लेवल जो 9 तक यहाँ पर शूट हुई थी, 9 से 6 में फ्लक्चुएशन जो बिल्कुल 3 तक आई है, लेकिन हमें इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी यूज़ बताई की है, लेकिन इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी जिसमें यूज़ किए इस वजह से हमें अच्छे खासे रिजल्ट हुए। तो प्रोनेफ्रा जो मेडिसिन है ये नियर अबाउट 60 ml के प्रेजेंटेशन में आती है, छोटे इसमें आती है, तो आपको ये मेडिसिन डॉग्स में 1 ml/5 kg दिन में 2 बार आपको यूज़ करवानी है, 1 month यूज़ करवानी है। क्या ये आप जो मेडिसिन है आपके कैट में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें 1 ml/4 kg के हिसाब से इसका डोज होता है और दिन में 2 बार हमें ये यूज़ करवानी है। तो ये मेडिसिन एक तो आप फूड के साथ दे सकते हो या फिर फूड के 2 घंटे बाद भी आप मेडिसिन दे सकते हो, तो दिन में 2 बार देने। ध्यान में रखिए, जब भी किडनी की इश्यूज आती है, जब ये मेडिसिन आप देते हो तो आपके डॉग ने एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए, अगर नहीं ले रहा है तो आपके डॉग को यहाँ पर धीरे धीरे 1-2 घंटे में आप उसको रिमाइंड करके उसको पानी पिलाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। और ये मेडिसिन है आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, थोड़ी हल्की सी कॉस्टली आती है, लेकिन ये डॉग की लाइफ बिल्कुल बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प है। सो फ्रेंड, किडनी फेलियर की अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आप काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुके हैं,
तो आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट की कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।